नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के दो दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री दोपहर 1:45 बजे के करीब श्रावस्ती पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचने वाले हैं, जहां वो चिकित्सालय और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर वो सीएम कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहां पर 2:45 बजे तक का समय आरक्षित है। इसके बाद सीएम जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 से 5 बजे की अगर बात करें तो इस दौरान वो देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। शाम को 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक मुख्यमंत्री का मीडिया ब्रीफिंग का कार्यक्रम है। सीएम करीबन 5:30 बजे बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां देवी पाटन मंदिर में तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त जिला अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्या कुछ अपडेट है चंद्र? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, श्रावस्ती में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1:45 पर उनका हेलीपैड पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके उतरने के बाद में वो सीधा जिला चिकित्सालय की तरफ रुख करेंगे। वहां पे वो वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे। इसके उपरांत ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्र भाई साहब जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनने वाली है। इसके लिए सोमवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, जिसके तहत अब 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अन्य वजहों से भी अपने माता पिता या तो फिर दोनों को या फिर किसी एक को खोया है, तो फिर उनको लीगल अभिभावक को खोने पर उन्हें 2,500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही जो बच्चे कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें भी मदद सरकार की ओर से की जाएगी। इंटर के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं को भी सरकार 2,500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद करेगी। वहीं कोरोना की आशंकित तीसरी लहर ना आए, इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। यूपी सरकार लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है और इसी क्रम में 3 अगस्त यानी कि आज से योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। आज से एक बार फिर से वैक्सीनेशन का महाअभियान का आगाज होगा। इस अभियान में 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में आज 20,000 सेशन वैक्सीनेशन के चलने वाले हैं। गाजियाबाद में जहां 60,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, तो वहीं नोएडा में 50,000 खुराक देने का लक्ष्य है। लखनऊ की बात करें तो यहां पर तकरीबन 86,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब बात सियासत की होगी। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक टेबल पर बैठे नजर आए। दोनों ने सोमवार को दिल्ली में एक साथ चाय पी और खुलकर बातचीत भी करी है। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में करीबन 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर मंथन चला है। लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं। पिछले दिनों उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात करी थी। इसके अलावा भी कई नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन, गठबंधन की स्थिति बन सकती है। लालू समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, एनसीपी पर ही सपा को समर्थन दे चुकी है। ममता बनर्जी भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर पर उसकी चौथी पत्नी ने आगरा में 3 तलाक का केस दर्ज करा दिया है। पीड़ित के हिसाब से चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही 6वीं शादी करी है। आगरा में रहने वाली नगमा ने बताया कि 11 नवंबर 2012 को उसकी शादी बशीर से हुई थी। पति से उसका विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है।
नगमा ने बताया कि जब उसे पता चला कि उसका पति 23 जुलाई को शाइस्ता नाम की महिला से छठवीं शादी कर रहा है तो वो पति के घर पहुंची और शादी रोकने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पति चौधरी बशीर ने उसके सामने ही 3 बार तलाक कहकर उसे वहां से निकाल दिया। नगमा ने आरोप लगाया है कि बशीर ने हिंदू धर्म की लड़की से शादी करने के लिए हिंदू चोला पहन करके भी उससे कहीं ना कहीं निकाह किया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। नगमा की शिकायत पर पुलिस ने बशीर को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते नदी किनारे दफन लाशें ऊपर आने लगी हैं और इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। महज 58 दिनों में फाफामाऊ घाट के पास से गंगा किनारे दफन 368 लाशें मिल चुकी हैं। प्रयागराज नगर निगम लगातार इन शवों का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार कर रहा है। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने 4 जून को खुद कई लाशों को मुखाग्नि देकर के अंतिम संस्कार किया था। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब 7 अगस्त को नगर निगम ने सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक 13वीं का आयोजन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गंगा में जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और शव ऊपर आने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के दौरान गंगा किनारे कई सारे शव दफनाए गए थे, ये सब डूब गए थे और डूबने के बाद अब जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ घट रहा है ये लाशें ऊपर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो होता नजर आ रहा है। 58 दिन और 300 से ज्यादा लाशें। जी देखिए पूजा, ये जो पूरा मामला है, अब तक जैसा समझा जा रहा था कोविड-19 काल में महामारी थी और इस महामारी में लोगों को ये लग रहा था कि डेड बॉडीज को जल्दी से गाड़कर अपना पीछा छुड़ाएं, लेकिन सबसे भयावह तस्वीर तब है जब गंगा के कटान यानी जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान होने लगा। ऐसे में जो शव दफन किए गए थे कम गड्ढे कर, अब वो सब बाहर आ गए हैं। ये महामारी का खतरा भी हो सकता था, इसलिए नगर निगम ने उन सारे शवों को अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ बकायदा उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। और इस पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी महामारी देश में कभी नहीं फैली और प्रयागराज में ये महामारी का दौर है जिसको नगर निगम बहुत अच्छी तरीके से शव का अंतिम संस्कार कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी शव निकाले जा रहे हैं उन सभी का अंतिम संस्कार किया जा रहा। अब तक 350 से अधिक डेड बॉडीज जब पानी अधिक होने की वजह से निकल चुका है बाहर और अब उन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जो तस्वीर भी बहुत भयावह है। ऐसे में देखने वाली बात होगी और कितने शव बाहर आएंगे क्योंकि नगर निगम की कई टीमें उस पर निगाह बनाए हुए हैं। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आनंद राज हमारे साथ में जुड़े। लगातार जनता टीवी इस बात की आशंका जता रहा था कि जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा वैसे ही नदियों के किनारे, आपने देखा होगा कि कटान क्षेत्र के एकदम किनारे जो है लाशें दफनाई गई थी वो लाशें अब ऊपर आने लगी हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई अव्यवस्थाओं की बयां कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होने के मामले में करणी सेना के विवादित बयान के बाद अब एएमयू छात्रों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। एएमयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव हुजैफा आमिर ने इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना एएमयू के लिए इतिहास है, आस्था नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन फिर से बाहर आने लगता है। आमिर ने यह भी कहा कि अगले 6 महीनों में देश के अंदर चुनाव होने हैं और देश के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि करीबन 5 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए जिन्ना का जिन दोबारा बोतल से बाहर लाया जा रहा है, ये कहना उनका। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर लोग परेशान हैं, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अभी भी प्रदेश में अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने आज अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में बुधवार यानी कि 4 अगस्त को झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 5 अगस्त को आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दरमियान प्रदेश में
मानसून सक्रिय रहा। इस अवधि में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से लेकर सामान्य बारिश हुई है, कहीं पर भारी बारिश हुई है और पश्चिम यूपी में कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी बारिश हुई है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई शहरों के नाम बदलने की कवायद तेज कर दी है। अब आपको बता दें कि कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात फिरोजाबाद जिले का नाम भी तब्दील होने वाला है और ये चर्चा प्रबल है। जिला पंचायत की बैठक में फिरोजाबाद ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव ने सदन में प्रस्ताव रखा कि फिरोजाबाद जिले का नाम चंद्रनगर रख दिया जाए। इस प्रस्ताव को सदन में पास भी कर दिया गया। इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जा रहा है कि फिरोजाबाद का नाम भी बदल दिया जाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने बताया कि 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू किया जाएगा, जो कि 27 अगस्त तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए नेता सदन के तौर पर यह पहला सत्र होगा। चुनावी साल होने की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने वाले हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी करेगा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, इस नजरिए से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात करी। बताया ये भी जा रहा है कि त्रिवेंद्र ने प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर सुझाव मांगे हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए सहयोग के लिए आभार विशेष में आज से 3 दिवसीय मंथन शिविर का आगाज कर रहे हैं। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय मंथन शिविर आज से 5 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मंथन शिविर में राज्य का शीर्ष नेतृत्व एकजुट कर 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत आयोजित किया जाएगा। विचार मंथन शिविर में राज्य का शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगा। इस मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही शिविर में चुनाव से जुड़े मुख्य विषयों पर विधायकों के अलावा अन्य कार्यकारी भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के इस विचार मंथन शिविर का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना है और चुनाव प्रबंधन को धार देना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राव राशिद हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। राव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से अहम बैठक होने वाली है ये, और इस अभियान के आगाज के साथ क्या ये माना जाए कि सूबे में कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन आएगा? ये 3 दिवसीय कांग्रेस का जो विचार मंथन शिविर है वो आज से शुरू हो चुका है, और जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहाँ कार्यक्रम स्थल पर ही हम मौजूद हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। और अभी बस कुछ ही देर में जो कांग्रेस का विचार मंथन शिविर है उसकी पहली जो आज बैठक है वो शुरू होने जा रही है, और इसमें आपका जो तमाम जो समितियां हैं जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति हो चाहे वो पब्लिक, जो तैयारियां हैं जो 2022 में है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से जो चुनाव है उसका उत्तराखंड में राजनीतिक संतनाद कर दिया है, और कांग्रेस हर तमाम जो पहलू है चाहे वो राज्य के किसी भी तरह के मुद्दे हो, हर तरह से कांग्रेस का पूरा फोकस इस पे है कि इस बार वो दोबारा से फिर से कांग्रेस जो उत्तराखंड की सत्ता है उसमें काबिज हो, और तमाम जो नेता हैं उन इन चीजों पर ही 3 दिन तक मंथन करेंगे, और जो तमाम
जो राज्य के जन मुद्दे हैं, चाहे वो किसी तरह के भी कोई भी मुद्दे हैं, उन पर बारीकी से मंथन होगा और आगे की क्या रणनीति रहेगी, चुनाव में किस चुनाव से पहले किस तरह से सरकार को घेरना है, जी जी, इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और एक कॉन्क्रीट एक मसौदा तैयार कर अब कांग्रेस इस 3 दिवसीय कार्य अपने मंथन शिविर के बाद जनता के बीच जाएगी। और कांग्रेस का ये दावा है प्रदेश अध्यक्ष का कि इस बार वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट सामने आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करी है। राजभर ने सुबह स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करी। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। करीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहना है राजभर का। बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की। आप ये समझिए कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर लगातार पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते रहते हैं, लेकिन फिलहाल आज वो स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं और उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बेहद बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट है ये इस समय सूबे की। स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर 1 घंटे के करीब ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पहला बयान क्या कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को SOP जारी कर दी गई थी। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू एज इट इज लागू रहने वाला है। जारी की गई इस SOP में पहले के ही तर्ज पर सभी बंदिशें यथावत रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।